गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। तो क्लास फोर, तो क्लास फोर का सब्जेक्ट है मैथ, मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स है। क्या है? मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स है। साइन फाइव बी, साइन फाइव बी, साइन फाइव ए बी सी डी हो चुका है, फाइव सी है, फाइव बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर वन है टिक द राइट ऑप्शन, जो सबसे राइट है उसी को टिक लगाना है। यहाँ दे रही है प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो 12 का कर दिया है, 2 से कट किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1, 2 into 3, 4 into 3 नहीं होगा, 2 into 6 नहीं होगा, 1 into 2 नहीं होगा, तो 2 into 2 into 3 इस पर टिक लगाना है। यह हो गया, इसमें पर छूट गया था को प्राइम का डिफिनेशन। आप लोग जो है को प्राइम का डिफिनेशन लिख चुके हैं, उसका क्या लेंगे? को प्राइम का है द नंबर हैविंग ओनली वन फैक्टर, दैट इज द नंबर वन आर कॉल्ड द को प्राइम। किसी भी नंबर को जो है पेयर में दो नंबर लेंगे, दोनों नंबर का जो है फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने में दोनों में सिर्फ ओनली वन कॉमन आना चाहिए, सिर्फ ओनली वन कॉमन आना चाहिए, वही का है को प्राइम। इस को प्राइम को आप लोग जो है लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर टू है टिक द पेयर्स ऑफ नंबर, पेयर्स ऑफ नंबर्स विच आर को प्राइम, उनको पेयर जो है को प्राइम है, 8 और 15 का जो है फैक्टर करेंगे, तो दोनों को फैक्टर में वन जो है कॉमन आएगा, वन के अलावा दूसरा कोई नहीं आएगा। 9 और 12 में फैक्टर करेंगे, 9 और 12 फैक्टर करेंगे, 1 भी आएगा 3 भी आएगा नहीं होगा पिया। 13 और 26 को फैक्टर करेंगे फैक्टर, तो 1 3 1 और 13 कॉमन आएगा, नहीं होगा। 11 और 13 में ओनली 4 1 कॉमन आएगा, 16 और 31 में 1 कॉमन आएगा। अब कराया जाए पेयर ऑफ को प्राइम, जो को प्राइम के पेयर है जो ओनली 4 1 फैक्टर आएगा, उसी को ठीक रखना है। ए हो गया और डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फ्लोइंग, यह दिया है 8 and 12, फैक्टर ऑफ 8 का फैक्टर 8 कटेगा 2 से 1 से 4 से और 8 से, हमें 8 का फैक्टर क्या 1 2 4 8, फैक्टर ऑफ 12 का फैक्टर क्या 1 2 3 4 6 12, करें 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से कट होगा, 1 12 होगा। अब दोनों में कॉमन निकालेंगे, कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब दोनों में कोई कोई कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन है 2 कॉमन है और 4 कॉमन है 1 2 और 4, तो कॉमन फैक्टर कितना होगा 1 2 4 होगा। अब फोर में है प्राइम फैक्टराइज द गिवन नंबर बाय द फैक्टर ट्री मेथड, थ्री मेथड निकाला है, 36 को शो कर दिए, सबसे स्मॉलर ट्री से कट करते हैं, 2 से 3 से 5 से कट करते हैं, तो 2 से कट करेंगे तो 36 में 2 से करेंगे तो 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से कट करेंगे फिर दिया 9 आएगा, बना 2 2 3 3 ऐसे चलेगा। तो 10 36 से कर 2 into 2 into 3 into 3, तो जो है 36 का फैक्टर थ्री मेथड यही होगा, इसको बनाएंगे इसी तरह बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव जो है प्राइम सिक्स प्राइम फैक्टराइज द गिवन नंबर बाय द सक्सेसिव डिवीजन मेथड, और इसको है 36 है, इसको डिवाइड करना है, 2 से करेंगे 18 2 36, 2 से 2 9 18, 3 से 3 9, 3 होगा 3, 36 का 2 into 2 into 3 into 3। अब निकाला है सेवन में फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग नंबर, निकाला है एचसीएफ 10 and 16 का, निकाला है 10 and 16 का, तो फैक्टर ऑफ 10, फैक्टर ऑफ 10 का क्या होगा 1 2 5 10, फैक्टर ऑफ 16 तो 1 2 4 8 16। अब दोनों को कॉमन निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 10 and 16, दोनों कॉमन फैक्टर क्या आ गया 1 और 2, क्या आ गया 1 और 2,
जो पवन घटता है, पवन घटन में जो सबसे ग्रेटर होता है वही इसका एचसीएफ होता है। तो वन टू में सबसे ग्रेटर है टू, तो टू उसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ ऑफ टेन एंड सिक्सटीन इक्वल टू टू होता है। कॉमन फैक्टर निकालते हैं, कॉमन फैक्टर में एचसीएफ के जो है जो सबसे ग्रेटर होगा वही उसका होता है एचसीएफ होता है। तो वन और टू निकाले, कॉमन फैक्टर कॉमन तो सबसे वन और टू में सबसे ग्रेटर टू है, तो टू क्या हो गया उसका एचसीएफ हो गया। इसी मेथड से बनाया है क्वेश्चन नंबर आपको है वन से लेकर सेवन तक, वन से लेकर सेवन तक जवाब वन टू थ्री फोर और सिक्स सेवन बता चुके हैं। सारा क्वेश्चन से एक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आप लोग क्वेश्चन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, जो क्वेश्चन बुक में सोल्व होने वाला है बुक में करेंगे, जो क्वेश्चन नोटबुक में बनने वाला है उस क्वेश्चन को नोटबुक में बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।